हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले दो वीडियो और बनाए हैं इस चैप्टर के, और उन दो वीडियो में मैंने मोशन के बारे में बताया है कि मोशन के बारे में साइंस क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया है, और वेलोसिटी के बारे में बताया है, और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस भी उसमें मैंने बताया है। उन दोनों वीडियोज़ को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं, या फिर उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो है हमारा एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी था, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, वो वेलोसिटी था। और एक यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपने गाड़ियों में सुना होगा, जब बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो एक्सेलरेटर होता है उसमें। वो एक्सेलरेटर होता है क्या, एक्चुअली वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। उस एक्सेलरेशन से क्या होता है, आपकी वेलोसिटी, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वी माइनस यू अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो हमें जो है एक पहले का वेलोसिटी पता होना चाहिए और एक लास्ट का वेलोसिटी हमें पता होना चाहिए। तो लास्ट मतलब फाइनल है यहाँ पर, तो बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज, कितना टाइम लिया चेंज होने में, वो है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे भी हम लिखते हैं। अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी इक्वल इक्वल चेंज हो रहा है तो वो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे जैसे यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वह यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो वैसे ही इक्वल टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? मान लेते हैं कि पहले एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी चेंज हुआ, पहले एक सेकंड में, फर्स्ट में। फिर अगले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही वेलोसिटी चेंज हुआ, अगले एक सेकंड में। फिर अगले एक सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेंज हुआ, मतलब हर बार इतना ही चेंज हो रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर अनइक्वल चेंज होगा वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि पहले सेकेंड में 5 मीटर पर स्क्वायर चेंज हुआ, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर पर स्क्वायर चेंज हो रहा है, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर पर स्क्वायर चेंज हो रहा है तीसरे सेकंड में, तो ये क्या हो गया, तीनों बार अलग अलग आया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। नॉर्मली जो हम एक्सेलरेट करते हैं वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ केसेस। दोनों केसेस क्या क्या हैं कि बोला स्टेशनरी पोजिशन। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ, कहीं स्टार्टिंग कर रहा है, वहाँ से मूव नहीं कर रहा है अभी। तो स्टेशनरी पोजिशन से राहुल जो है अपने बाईसाइकिल को चलाया और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड की स्पीड से वह 30 सेकेंड में पहुँच गया। 30 सेकेंड में वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वो अटेन कर लिया। जीरो पहले स्टेशनरी था तो जीरो था, फिर उसके बाद उसने अपने साइकिल पर ब्रेक लगाया और उसकी वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकेंड है 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। ठीक है,
अगले 5 सेकंड में, 30 सेकंड के बाद अगले 5 सेकंड में, ठीक है। तो हमें निकालना है पहला केस क्या है, कि वह स्टेशनरी से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गया। दूसरा केस है कि वो 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पर आया, तो वो अगला 5 सेकंड का है। तो दो केस हो गया, दोनों केस का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले केस वन देख लेते हैं। केस वन है यू इक्वल टू जीरो, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी है, पहले केस में स्टेशनरी है पहले वो, तो यू क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है बाद में 6 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, तो वी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना ले रहा है इतना चेंज होने में 30 सेकेंड। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फॉर्मूला बताया मैंने, वी की जगह 6 रख देंगे माइनस, और यू की जगह पे 0, टी अपॉन टी की जगह पे 30, 6 अपॉन 30 1/5, 1/5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो केस वन हो गया। केस टू में, केस टू में अभी वेलोसिटी उसका 6 मीटर पर सेकेंड है, ब्रेक लगाया अब 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे हम 6 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, और इतना चेंज होने में कितना टाइम ले रहा है वो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लिख लिया हमने। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी रख देंगे यहाँ पे, तो वी की जगह क्या रखेंगे 4, यू की जगह पे 6 अपॉन 5, 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 5, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 0 प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है। प्लस का मतलब होता है कि उस एक्सेलरेशन की वजह से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हुआ था ना 0 से लेकर 6 तक हो गया था, इसलिए प्लस में है। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर 6 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया था वेलोसिटी, इसका मतलब ये है। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।